हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया से। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है। फर्स्ट है हमारा डायरेक्टिव प्लानिंग। इट रेफर्स टू सिस्टम इन विच प्लानिंग इज डन विद द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस प्लानिंग में क्या होता है, जो प्लानिंग हम करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं कि किसी चीज की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। अब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्टिव प्लानिंग में होता क्या है। इट इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे जो प्रोडक्शन है, जो प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेटली ऑन्ड होती है, जो किसी की अपनी है, इंडिविजुअल्स की होती है, अपनी कंपनीज की होती है, गवर्नमेंट का उसमें कुछ रोल नहीं होता। It is pursued in capitalist economy. Second point है, there is no direct participation of state. State मतलब इसमें है government in the process of growth. Government का इसमें कोई directly participation नहीं होता, किसमें? Directive planning में, ठीक है। Third one है, it is directing the private sector. Directive planning में क्या होते हैं, private sector cover होते हैं। प्लानिंग मोटिव इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड नॉट सोशल वेलफेयर। आपको पता है जो प्राइवेट सेक्टर है वो किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए, नॉट फॉर सोशल वेलफेयर। तो जो डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या है, सारा प्राइवेटली ऑन्ड है सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड से ही पता चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स होता टोटल, किसी भी चीज का टोटल, एक होता है ना फुल चीज, वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कम्प्लीट। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या था, गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, बट कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, किसमें? ग्रोथ और डेवलपमेंट में, प्लानिंग्स में, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है, इट इज परस्यूड इन सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट का पूरा पार्टिसिपेशन होता है, गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या करना है, और ये मोस्टली क्या होता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, सोशल वेलफेयर को बढ़ाना, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी ये होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट भी होते हैं वो, कैपिटलिस्ट भी होते हैं, उनका मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट भी होता है एम, और साथ साथ में क्या करना होता है, सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान देना होता है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है वो कहां पे होती है, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में। नेक्स्ट है इन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं और पब्लिक सेक्टर भी आते हैं। थर्ड वन इज इंडिविजुअल गेन्स आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज अंडर कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट मैंने आपको बताया ना, कैपिटलिस्ट मतलब प्रॉफिट के लिए जो काम करते हैं, तो गेन्स कहां पे हो जाएगा ज्यादा, कैपिटलिज्म में। और क्या होगा इसमें, सोशल गेन्स आर थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट अंडर सोशलिज्म। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, और सोशल गेन्स कैसे होगा, गवर्नमेंट के थ्रू। तो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव में टोटल कंप्लीट अप्रोच है। इससे क्या बेनिफिट है कि इसमें सोशलिस्ट भी होगा और मिक्स्ड भी होगा। तो ये है डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में डिफरेंस। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे व्हाट इज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस से आप क्या समझते हैं और इसमें क्या चीजें आती हैं? देखो, मोस्टली जो फ्री प्ले ऑफ मार्केट सोर्सेज है वो थोड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करता है। वो मोस्टली आप कह सकते हो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हम बात करें। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट of a country does not interfere with the market. Government interfere नहीं करेगी, market forces of demand and supply में government कुछ interfere नहीं करेगी। Second point है हमारा, producers are free to allocate resources. Producers कौन है, मतलब individuals हैं, companies हैं, उनके पास पूरी authority है, वो decide कर सकते हैं कि अपने goods को या अपनी कैसी planning करनी है और उनको कहाँ use करना है। आप सुनते हैं ना, private sector में क्या होता है, कोई एक इंडिविजुअल रन कर रहा है, कोई कंपनी रन कर रहा है, या कोई एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, तो उसकी अपनी मर्जी है या उसके अपने नॉर्म्स हैं जिसके बेसिस पे वो काम कर रहा है। उसको कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको बस लाइसेंस वगैरह लेना है, उसके बाद वो अपना सेटअप करेगा और उसके बाद वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट रखेगा, कितना क्या है। बट जो गवर्नमेंट होते हैं, जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी, वहां पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है। तो प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। तो क्या है, प्रोड्यूसर्स के पास पूरी अथॉरिटी है कि अपनी रिसोर्सेज को कैसे कैसे यूज करें। थर्ड वन इज प्रोड्यूस गुड्स विच गिव्स देम हाई प्राइस एंड प्रॉफिट। आपको पता है जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, वो किसके लिए काम कर रही है, प्रॉफिट के लिए। तो यहां पे क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज करते हैं किसके लिए, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। थर्ड फोर्थ वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स गिव्स हायर प्रायोरिटी। वो प्रायोरिटी किसको देते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को, एंड सोशल वेलफेयर इज ऑन लेस प्रायोरिटी, और जो सोशल वेलफेयर है उसको वो कम प्रायोरिटी देते हैं। इसी में हमारा एग्जाम्पल है एक, फॉर एग्जाम्पल हांगकांग जो कंट्री है, हांगकांग हैज लो टैक्स रेट्स एंड हाईली कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। जो हांगकांग है उसमें क्या है, टैक्स रेट बहुत कम है, बट ये कंट्री कैसी है, हाईली कैपिटलिस्ट। हाईली कैपिटलिस्ट क्या होता है, जहां पे प्राइवेटली ऑन्ड है, जहां पे प्राइवेट को पूरा राइट है डिसाइड करने का, गवर्नमेंट का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रैंक सेज 90.2% इकोनॉमिकली फ्री। ये क्या है, इतनी फ्री कंट्री है, विच इज हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, और ये क्या है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हाइएस्ट है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, सारे डिसीजंस इंडिविजुअल्स के हैं और कंपनीज के, यहाँ पे गवर्नमेंट का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये हमारा एक टॉपिक था। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।